क्या होता है? क्यों परेशान? देखिए ना मम्मी जी, बात ही नहीं कर रही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है हरमन जी। आज मंदिर भी गए ना, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सुनना प्रीतो की हालत समझो। उस इंसान के आने से वो खुद अपनी परेशानियों से जूझ रही। परेशानी तो बांटने से कम होती है हरमन जी, लेकिन वो तो मुझसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, और अगर उन्होंने कह दिया ना कि मेरी गलती थी, तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जाकर एक बार बात कर ही लेती हूँ। सुख के सब साथी दुख में न खो, मेरे राम तेरा राम। क्यों हो रहा है? क्या वो रुक रुकिए ना, प्रेम में गालते सब ना। अरे वो भजन कीर्तन करता पे। मेरे राम मेरे राम। ये मत नहीं है तुम्हारा, खर है मेरा। 28 साल की शांति को तुम्हारा ये भजन बंद कर देगा। बंद करो इसे और चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा। मेरा इरादा तुम लोगों को परेशान करने का नहीं था। समझो यही मौका है। सो रहे हैं सब, चले जाओ। बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेना, मेरे घर पे नहीं रह सकते। अभी क्या, अभी जाओ, अभी जाओ। तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं? नहीं पड़ता फर्क। मत करो अपनी जिंदगी बर्बादियां। जब घर छोड़कर गए थे, मुझे छोड़कर गए थे, तो गृहस्थी बर्बाद की थी। अब यहां रहकर अपना सन्यासियों क्यों बर्बाद कर? सॉरी मम्मी जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें सच में नहीं पता था कि बाबा जी कौन है। हम तो ये सोचकर उन्हें घर ले आए कि संत हैं, ऐसी हालत में उनकी सेवा करेंगे तो शायद घर को पुण्य मिलेगा। मम्मी जी, मैं आपके पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहती थी। सच्ची मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती थी। अब पता चल गया ना, तो कह दे उन्हें जाने के लिए। उन्होंने कहा है वो चले जाएंगे, लेकिन अभी इसी हालत में कैसे कहूं उनसे जाने के लिए? लोग क्या कहेंगे मम्मी जी? सौम्या, चिट भी तेरी और पट भी तेरी, मेरे सामने भी अच्छी बन रही है और दुनिया वालों के सामने भी। नहीं नहीं मम्मी जी, कम से कम आप तो मुझे गलत मत समझिए। मुझे सच में नहीं पता था वो कौन है, और मुझे पता हो तो मैं उनको यहाँ नहीं लेकर आती। मम्मी जी, जी देखिए ना, अनजाने में हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। कभी नहीं सोचा था कि मम्मी जी का दिल दुखाऊंगी मैं। देखो सोना, जो होना था वो हो गया। अभी चलकर सोते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना। मैं नहीं सो पाऊंगी जी, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तो क्या करें, चलकर प्रीतो से कहें कि परेशान ना हो, और हमारे कहने से रातों रात उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर उस बाबा जी को उठा के घर से बाहर फेंक। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं जी आप? क्योंकि मैं भी परेशान हो रहा हूँ।
परेशान मैं भी हूँ, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी जी को इस हालत में छोड़ दें। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चलो चलकर सो जाते, सुबह देखेंगे क्या करना है। आप जाइए, मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, पूरी रात यहीं खड़ी रहो, परेशान होती रहो। सारी गलती मेरी, ना हम उस वैद्य जी के पास जाते, ना ये सब होता। मेरा पहले ही मन नहीं था, पर नहीं, सौम्या के आगे किसी की चलती कर। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं कहना चाहता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिका दीदी, कभी कभी तेरी माँ बहुत परेशान करती है मुझे, कब से बोल रहा हूँ, चुपचाप आके सो जाओ। और नहीं, बहस करे जा रही है, अब नहीं बुलाऊंगा उसे कमरे में, रहे वहीं। और मुझे सच में नहीं पता था कि उनकी सच्चाई क्या है, और आज मेरी वजह से सबको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं सबकी परेशानी दूर कर सकूं। सौम्या, फिलहाल तुम कुछ नहीं कर सकती, अब तो जो करेगा वक्त ही करेगा। बेटा, मैं ये तो नहीं जानती कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम प्रीतो जी की देखभाल करो, क्योंकि इस वक्त उनको अपने घर वालों की सख्त जरूरत है। चिंता ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी मैं भी कुछ करती। दूध यहाँ है आपको, मैं दूध पिलाती हूँ। बस चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस चुप चुप चुप। भूख लगी है ना आपको, ये दूध पीते हैं। चुप चुप, सोहम प्लीज। ला मुझे दे, मैं चुप कराता हूँ। अभी इस घर के लोग जिंदा है, मेरे पोते को संभालने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है हमें। कैसी माँ है तू, अपने बच्चे तक को नहीं संभाल सकती? ना दे दूध की बात। क्यों हो गया बच्चा? बच्चा रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है बच्चा? अच्छा दूध पी ले, थोड़ा दूध पी ले। क्या है, क्यों नहीं पी रहा है? दूध नहीं पिएगा तो पेट कैसे भरेगा? क्यों रो जा रहा है? माँ शांत हो जा ना, सोहम को मुझे दे, मैं चुप कराती हूँ। क्यों, तुझे क्या लगता है मैं बकरी संभाल सकती? रावी चुप, दादी को थोड़ी मेहनत करने दे, तू देखना अपने पोते को यही चुप करा पाएगी। बाबा अब प्लीज चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए ना, मैं आपके लिए आपकी दवा बना के लेकर आती हूँ। चलिए। निहाल सिंह के आते ही सास बहू का रिश्ता बेहाल हो गया। वही तो, बस यही तो चाहिए था हमें। हर हाल में उन साधुओं के झुंड तक पहुंचना होगा जहां निहाल सिंह रहा करता था। जब वो उसे लेने आएंगे तो
गांव वाले मना नहीं कर पाएंगे। हाँ दीदी, निहाल सिंह के साथ में सौम्या के ससुराल से ये मुसीबत भी चली जाएगी। इसके बाद हम किन्नरों के सम्मेलन की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। किन्नरों का ये सम्मेलन किसी तीर्थ से कम नहीं होता। 7 साल में एक बार आता है, दूर दूर से किन्नर आते हैं, तैयारी करनी तो लाजमी है। लेकिन ये सौम्या का मसला हल हो जाए ना एक बार, फिर निश्चिंत होकर सम्मेलन की तैयारी कर पाऊंगी। खाना खा। भाई साहब, आइए ना, आप भी खाना खा लीजिए। इतनी चिंता हो रही है तो इनके कमरे में जाकर इनको खिला लेना। मैं क्या पाजी? आइए भाई साहब, बैठिए। राय उतर प्रसाद दे। जी बाबूजी। बस बस बस, चलो पानी। तेरी मिर्ची खाने की आदत गई नहीं है अभी तक। मिर्ची याद है आपको? है तो आपको यह भी याद होगा कि कैसे बचपन में मुझे मिर्ची खाने का बड़ा शौक था और आप और वीर जी दोनों मुझे खाने नहीं देते थे। तुम दोनों में बड़े अजीब अजीब समझौते होते थे। ये कहता था तू मुझे एक चम्मच खीर खिलाएगा तो मैं तुझे मिर्ची खाने दूंगा। हा? मैं कह रहे हैं पाजी, समझौते तुसी भी बहुत कीते हैं, बदाम और हलवे वास्ते। और रहने दो वीर जी, आप कौन से शरीफ हो हैं? आपने बड़े वीर जी की जेब से पैसे नहीं चुराए थे? हमेशा इल्जाम मुझ पे लगाते थे कि वीरन ने चुराए हैं, और आप हैं हमेशा मुझ पे इल्जाम लगा देते थे, हाँ चोरी वीरन ने की है, चोरी वीरन ने की है। और दोनों मिलकर मुझ छोटे भाई को इतना पीट देते हैं, बहुत फायदा उठाया आपने मेरा। याद है, मैनू याद है। ऐसे हड़क तेरी बहू का बहुत एहसानमंद हूं मैं। मरने से पहले तुम सबको देख लूं, यही आखिरी इच्छा थी। कहते हैं जिसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए उसे मोक्ष मिल जाता है। तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। Thank you.
दिमाग खराब हो गया हरक सिंह और चाचा, बूढ़े हो गए पर अकल नहीं आई। वो पापा जी के सामने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, किसी ने सोचा प्रीतो के दिल पे क्या बीतेगी? हरमन जी, 27 साल के बाद वो घर वापस लौटे और ऐसे में भाइयों के बीच में यादें तो ताजा होंगी ही ना। हुई ना यादें ताजा, वो वाली याद ताजा हुई कि वो आदमी प्रीतो का पहला पति था, किसी ने नहीं सोचा कि प्रीतो के दिल पर क्या बीतेगी। इससे सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी कि तीनों भाई हैं और इतने सालों बाद मिले हैं। तो एक काम करना, उन्हें यहीं रख, बाबा जी करके उनके आगे पीछे घूमती रहना, खाना बनाना, उनकी सेवा करना, दवाई करना। मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ यही तो होता है, हमेशा अपने मन की करके फिर कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी सोना, मुझे पता नहीं था कि प्रीतो आ जाएगी, उसकी बात का बुरा मत मानना। और कहाँ गलत है प्रीतो, वो इंसान प्रीतो का पहला पति था, वो प्रीतो की जिंदगी से जा चुका था। हरक सिंह ने प्रीतो से शादी करी, उसे अपनी पत्नी बनाया और आज अचानक से वो इंसान सबके सामने प्रकट हो जाता। यार ऐसी सिचुएशन में किसी भी आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। इसे खा लेना निहाल सिंह, जब खांसते खांसते तुम्हारे मुंह से खून निकलने लगे निहाल सिंह, तो समझ लेना तुम्हारे पास चंद घंटे बचे। जहां से आए हो चलो तुम्हें वही छोड़ आती, मेरे साथ चलोगे तो लोग सवाल भी नहीं करेंगे और अकेले लौट आऊंगी ना तो लोगों के सवालों के जवाब मैं खुद दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के किसी भी सदस्य से तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़े। चले जाओ यहां से। तब भी तुम चाहती थी कि मैं यहां से निकल जाऊं, और आज भी तुम चाहती हो कि मैं यहां से चले जाऊं, पर तुम्हारी चाहत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई प्रीतो। बोलो प्रीतो, ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं है मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब, कहना नहीं है जवाब। नहीं प्रीतो, आज तुम मेरे सवाल से भाग नहीं सकती, आज तुम्हें जवाब देना होगा। जब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता था तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। तुमने अपने बेटे की शादी एक किन्नर से क्यों कराई? अब तुम्हें बच्चे की याद नहीं आई? तुम तब सही थी या अब सही हो? निहाल सिंह, बच्चा पैदा तुम नहीं कर पाए और गांव वाले मुझे बांझ कह के बुलाने लगे। तुम्हें हिम्मत नहीं थी ना उन्हें जवाब देने की, इसलिए चले गए थे ना? मेरे बेटे में हिम्मत है, इसलिए उसकी किन्नर बीवी इस घर में रहती है। बच्चा गोद लेने की बात तो मैंने भी की थी प्रीतो, तब तुमने नहीं मानी मेरी। ये भी तो हो सकता है
कि तुम्हारा मेरे भाई हड़क सिंह के साथ कुछ चल रहा था। अभी से बात कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के चरित्र पे उंगली उठाने की?